रोल ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन। स्कूल किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और स्कूल को सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि स्कूल बच्चे को ना सिर्फ एक्सपोजर देता है कि अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करना है, बल्कि उनको वो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जिसके साथ उनकी फ्यूचर की, जितने भी वो किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, वो किसी ऑक्यूपेशन को अपनाना चाहते हैं, तो स्कूल उनको वो कैपेसिटी, वो स्किल, वो नॉलेज ट्रांसफर करते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी उस तरह से गुजार सके। और उनको वो चीज़ें सिखाई जाती हैं, ना सिर्फ सिखाई जाती हैं बल्कि उनको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, ये भी स्कूल के रोल में ही आ जाता है। और स्कूल ही जिम्मेदार होता है स्टूडेंट को सोशल नॉर्म्स सिखाना, सोशल बिलीव्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना, और हमें इस तरह से अपनी जो थ्रू एजुकेशन हमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं विद केयरिंग ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। स्कूल के बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन उसमें इस सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो नॉलेज ट्रांसफ़र करना है, नॉलेज ट्रांसमिट करना है या स्किल देना है जनरेशन को, ताकि वो जनरेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एक यंगर जनरेशन को हम नॉलेज और स्किल जो देते हैं वो किस तरह से अपने नॉलेज और स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके सोशल राइट्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, सोशल बिलीवर्स कौन कौन से हैं, उनके आइडियाज़ क्या हैं, क्या उनकी नॉलेज है, हमें नॉलेज को कैसे रिक्रिएट करना है, और उस सारे बिहेवियर की जो जिम्मेदारी है वो स्कूल पे होती है और स्कूल उसको बहुत बखूबी इसको अंजाम देते हैं। स्कूल जो बच्चे में मॉरल पावर जो है सोसाइटी का वो डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है, कि स्कूल में जितने भी हमारी सोशल हेरिटेज है सोसाइटी के, वो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वो ट्रांसफ़र की जाती है, उसकी अवेयरनेस दी जाती है, सोसाइटी के हमारे सोशल जितने भी त्यौहार हैं, हमारे जितनी ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, हमारे बिहेवियर्स हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुँचाने का सबसे अच्छा तरीका स्कूल है। और स्कूल बहुत अच्छे तरीके से उसको स्टूडेंट्स में ना सिर्फ अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, बल्कि जितने भी हमारे एंशंट मिथ्स हैं, लेजेंड्स हैं, हमारे बिहेवियर्स हैं, हमारे पर्टिकुलर सोशल वेज हैं, सोशल हमारी जो त्यौहार हैं, वो सारी चीज़ें हमें स्कूल के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और स्कूल हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को डेमोक्रेटिक वे में स्पेंड कर सकते हैं, हम अपने नॉर्म्स को नॉर्म्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हम उस तरीके से बिहेव करते हैं कि हमारी जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो स्कूल में नॉलेज और स्किल और नॉर्म्स, वैल्यूज़, हेरिटेज ट्रांसफ़र करना है। फिर स्कूल का दूसरा जो मेन काम है वो ये कि बच्चे की फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, ना सिर्फ करिकुलर बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल के साथ साथ आपको इस तरह की सरगर्मियाँ करवाई जाती हैं जिसमें पज़ल्स हो जाएँ, गेम्स हो जाएँ, ग्रुप डिस्कशन है, स्पोर्ट रिलेटेड करिकुलम है, फिर आपकी कॉम्पिटिशन्स करवाई जाती हैं, स्पेलथन करवाए जाते हैं, डिबेट्स होती हैं, डिबेट के साथ साथ आपके जो मैथमेटिक्स के काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं, ताकि बच्चे में वो सारी चीज़ें आ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें सिर्फ हमें नॉलेज नहीं बल्कि नॉलेज, स्किल, डिस्पोजिशन सारी चीज़ें लेकर आनी है, और उसके साथ साथ हमें बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप करनी है। स्कूल बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स की फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। स्कूल बेसिकली स्कूल के साथ साथ हमारी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है स्कूल में वो हमारी टीचर हैं। टीचर्स का जो रोल है वो हमारे लिए एज अ रोल मॉडल है, और किसी भी स्कूल में टीचर के लिए सबसे अच्छा जो बिहेवियर होता है, बच्चे का जो बिहेवियर होता है या बच्चे की पूरी लाइफ डिपेंड करती है उसके टीचर की बिहेवियर की वजह से, और बच्चा अपनी जो लाइफ है वो उस टीचर को इमिटेट करते हुए पॉजिटिव नेगेटिव बिहेवियर दोनों उन टीचर्स से सीखते हैं। समटाइम्स कुछ टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन उनके पढ़ाने का स्टाइल इस तरह से होता है कि बच्चे
पढ़ जाते हैं लेकिन उनकी पर्सनालिटी काफ़ी डिफरेंट होती है। तो जो टीचर की पर्सनालिटी है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें बच्चे पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम देखें तो इस जो टीचर है उसका काम यह है कि एंथुसियासिज्म क्रिएट करना, बच्चे को असेस करना कि हम इस एनवायरनमेंट में कैसे रह सकते हैं। हम अपने फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री में हैं तो हमारी कंट्री की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी क्या सोशल वैल्यूज़ हैं, हमारी क्या हमारी सोशल नॉर्म्स हैं, उनको किस तरह से लेके चलना है, गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, ये सारी चीज़ें हमें टीचर्स से ही नज़र आती हैं। टीचर्स ही हमें एज अ रोल मॉडल के तौर पे, क्योंकि टीचर का रोल अक्सर ये कहा जाता है इट्स नॉट फॉर 8 आवर्स बल्कि टीचर 24 आवर्स टीचर्स रहते हैं, क्योंकि उनके बिहेवियर से ही बच्चे सीखते हैं। टीचर जो है वो समटाइम्स सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देते बल्कि अपने एक्सपीरियंसेस से उनको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आती हैं। वो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट ट्रेट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स की जो इफेक्शन है वो अपने दिल में जब लेकर आते हैं तो उसको सही तरीके से बच्चे को पढ़ा सकते हैं। टीचर्स जब बच्चे की नीड को समझते हैं, बच्चे को प्यार करते हैं, तो उनको सही तरीके से वो सिखा भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। क्वालिटी ऑफ गुड रोल मॉडल इज़ दैट टीचर्स शुड नो हिज और हर सब्जेक्ट मैटर। कि सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको टीचिंग मैथड बहुत अच्छा है, आप स्टूडेंट्स को इंगेज कर सकते हैं, लेकिन अनटिल अनलेस आपको उस सब्जेक्ट के बारे में कोई चीज़ पता नहीं है, आप समझा नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते। टीचर्स स्टूडेंट्स के उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्यूरीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते तो फिर वो टीचर रोल मॉडल के तौर पे याद नहीं किया जा सकता, उसको रोल मॉडल नहीं कंसिडर किया जा सकता। और रोल मॉडल की ये भी निशानी है कि वो प्रॉब्लम्स जितने भी आते हैं बच्चे को अप्रिशिएट करें कि हाँ बेटा अगर आपको प्रॉब्लम आई है वी विल डिस्कस इट एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। ना कि आप ये कहें कि आप 100 बार पूछें मैं 100 बार बताऊंगी, और जब सेकेंड टाइम बच्चे पूछें तो आप स्नैप करना शुरू हो जाएं या उनको आप स्टॉप कर दें, शटअप कॉल दे दें। टीचर बहुत ज़्यादा फ्रेंड, टीचर्स के लिए यह है कि टीचर फ्रेंडली हो सकते हैं, फ्रेंड नहीं हो सकते। तो टीचर का काम यह है कि फ्रेंडली वे में स्टूडेंट्स को जो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं सच एस मोबाइल फ़ोन, उनके थ्रू होमवर्क्स देना, उनके थ्रू उनको वो गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अदर देन दैट टीचर का कोई और काम नहीं होना चाहिए फॉर दी प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग इन दी टीचिंग लर्निंग इंस्टीट्यूशन। अगर हम इस यूनिट को, यूनिट 3 जो कि सिटीजनशिप जो सब्जेक्ट है, सिटीजनशिप एजुकेशन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट 8606, उसको समराइज करें तो सोशलाइजेशन हमें प्रोवाइड करती है कि हम किस तरह से अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर, अपने नॉर्म्स उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को अगर डेवलप करना है तो भी हमें थ्रू सोशलाइजेशन हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है। जो इंस्टीट्यूशन है वो फैमिलराइज करते हैं इंसानों को, इंडिविजुअल्स को विद द सोसाइटी, और सोसाइटी में जो एजेंट्स हैं जैसे कि फैमिली है, पीयर्स हैं, स्कूल्स हैं, वो सारी चीज़ें हमें बताते हैं कि हमारी इस सोसाइटी में बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, हम किस तरह से स्कूल, पीयर ग्रुप्स और रिलीजन, इन सारे जितने भी हमारे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन हैं उनके थ्रू अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं और अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करते हैं।